तो अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स पे आपने ये वाला वीडियो तो देखा होगा जो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। आप ये बार देख सकते हैं काफी सारा आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा और साथ में आपको इस तरह का नियोन वाला इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना और साथ में आपको वीपीएन से भी कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं पहले वीपीएन से कनेक्ट करके रखा हूँ, तो चलिए अभी वीडियो ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला वीडियो आपको देखने मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह का वीडियो शूट कर लेना और यहाँ पर आपको वीडियो पर आपको चले लेना है और म्यूजिक में जाके यहाँ पर आपको म्यूजिक इसे ऑफ कर लेना, जो भी इसका ऑडियो रहेगा यहाँ पर आपको इसे ऑफ कर लेना और एड ऑडियो में चले लेना और एक्सट्रैक्ट कर लेना वीडियो को। आपको जो वाला वीडियो यूज करना है आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो वीडियो को आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना और बीट मार भी आपको करना होगा, तो ऑडियो भी आपको चले लेना और यहाँ से आपको बीट मार इस तरह कर लेना। काफ़ी सारा आपको बीट देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हो, इस तरह का आप यहाँ पर प्ले करके देख लेना। तो जितना भी आपको यहाँ पर बीट मार्क देखने मिलेगा सर, आपको बीट मार्क के यहाँ पर आपको स्प्लिट करना होगा क्लिप को। तो पहले यहाँ पर इसे स्लोमो दे देते हैं और जो भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट है यहाँ पर आपको इसे कट कर लेना है। तो स्प्लिट में चले जाते हैं और इसे हल्का से स्लोमो देने वाले हैं, तो हल्का से 0.7 में इसे रख लेते हैं और यहाँ से मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ और आगे का पार्ट यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं और पीछे चले जाते हैं और पीछे का भी हल्का सा पार्ट यहाँ पर स्प्लिट करके डिलीट कर लेते हैं। तो इस तरह का आपको यहाँ पर डिलीट कर लेना और यहाँ पर आपको ये वाला बीट पर आपको जले लेना और यहाँ से आपको स्प्लिट कर लेना, देख सकते हैं आपको पहला वाला बीट देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर दूसरा वाला बीट पर चले लेना और यहाँ पर फिर से आपको स्प्लिट कर लेना। तो कुछ इस तरह का आपको जितना भी बीट आपको देखने को मिलेगा सारा बीट को आपको यहाँ पर स्प्लिट कर लेना क्लिप को। तो पहले यहाँ पर मैं सारा बीट के हिसाब से कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा बीट के हिसाब से यहाँ पर मैं कट कर लिया। उसके बाद आपको अभी एनिमेशन लगाना है, तो पहला वाला आपको बीट यहाँ पर छोड़ देना है और सेकंड वाला आपको बीट पे आपको चले लेना है और यहाँ पर आपको क्लिप में आपको चले लेना वीडियो पे और एनिमेशन में चले लेना और इन एनिमेशन में चले जाना और पीछे चले जाना और यहाँ से आपको स्विंग बोल्ट वाला आपको लगा लेना ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपको देखने मिलेगा और इसका साइज आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, तो 0.5 कर लेना और यहाँ पर आपको सेकेंड वाला आपको क्लिप में आपको चले लेना और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से आपको इस तरह का ट्रांजेक्शन देखने मिलेगा, इस तरह का देख सकते हैं ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर आपको नीचे से करना है। तो इधर मैं स्लाइड कर लेता हूँ और ये रॉक वाला आपको यूज कर लेना और इसे भी आपको 0.5 कर लेना और यहाँ पर आपको थर्ड वाला आपको क्लिप में चले लेना और पीछे से लेना और यहाँ से आपको ये वाला स्विंग वाला लगा सकते हो। तो फर्स्ट में आपको ये वाला लगा लेना और इसे फुल कर लेना और सेकेंड में आपको ये वाला लगा लेना और इसे भी आपको फुल कर लेना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन बीट देखने मिलेगी, 1, 2 और 3, तो इन तीनों में आपको एक वाला यूज कर लेना ये वाला जो नीचे से आ रहा है, देख सकते हैं इस तरह का, तो इसे आपको हर एक वीडियो में यूज कर लेना तीनों बीट पे। तो यहाँ पर मैं तीनों बीट पे यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों बीट पे यहाँ पर यूज हो चुका है और यहाँ पर टिक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर पहला वाला आपको ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेना, 0.9 सेकेंड आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एनिमेशन में चले जाना और फिर से इन एनिमेशन में चले जाना और यहाँ से आपको पीछे चले जाना और फिर से आपको इसी को आप लाइक कर लेना और यहाँ पर आपको फिर से 0.5 में इसे रख सकते हो और यहाँ पर टिक कर लेते हैं और इधर आपको स्लाइड कर लेना और इसे भी आपको सेम रख लेना। तो बाकी यहाँ पर आपको जितना भी देखने मिलेगा देख सकते हैं पीछे, तो सर आपको 0.5 में ये वाला एनिमेशन आपको कंप्लीट कर लेना, फिर से स्लाइड कर लेते हैं और इधर फिर से इसी को अप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर दूर दूर में यहाँ पर स्प्लिट किया हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा पास पास में जाके स्प्लिट कर सकते हो और यहाँ पर इस तरह का ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं काफ़ी दूर दूर यहाँ पर स्प्लिट किया हूँ, आप यहाँ पर पास पास में यहाँ पर स्प्लिट कर लेना थोड़ा नज़दीक में जाके और इस तरह का ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी इफेक्ट लगाना है, इस तरह का देख सकते न्यून वाला इफेक्ट को यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेलो ब्लर के यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको एरो पर चले जाना है और यहाँ से आपको इफेक्ट में चले जाना है, उसके बाद आपको वीडियो इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ से आपको बेसिक में चले जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर हेलो ब्लर को यूज कर लेना और इसका आप यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर सकते हो स्पीड वगैरह, तो इसे करीब यहाँ पर 40 कर लेना और 40 कर लेते हैं और यहाँ पर आपको 80 कर लेना, तो यहाँ पर टिक कर लेते हैं और इसका साइज आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला क्लिप के हिसाब से एडजस्ट कर लेना और पीछे चले जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आपको तीनों लॉन्ग वाला देखने को मिलेगा, देख सकते हैं क्लिप। तो यहाँ पर आपको अभी ट्रांजेक्शन यूज करना है इफेक्ट न्यून वाला, तो यहाँ पर हल्का से दूर चले जाते हैं और यहाँ से अभी यूज करेंगे यहाँ से ट्रांजेक्शन के बाद से, तो बॉडी इफेक्ट में चले जाना और यहाँ से आपको ये वाला न्यून यूज कर लेना, देख सकते हैं और इसका आप कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, कलर भी चेंज होगा। फिल्टर को आपको पूरा रखना है और स्पीड आप 50 सेकंड रख सकते हो और बाकी आप साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो इसे करीब यहाँ पर 45 कर लेते हैं और यहाँ पर टिक कर लेते हैं और इसका लेंथ यहाँ पर आपको स्प्लिट कर लेना और फर्स्ट वाला आपको क्लिप के हिसाब से आपको इसे रख लेना, तो यहाँ पर इसे टिक कर लेते हैं
और एक बार आपको कॉपी कर लेना और इसे आपको लास्ट में चले जाना और फिर से आपको इसी को ऐड कर लेना, देख सकते इस तरह का। और यहाँ को यहाँ पर सेकंड वाला आप क्लिप में आ जाना और फिर से बॉडी इफेक्ट में, और ये वाला आपको अभी यूज कर लेना और इसका भी आप कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, साइज वगैरह स्पीड वगैरह देख लेना। तो यहाँ पर मैं इसे टिक कर लेते हैं, पहले यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं और इसका साइज कम कर लेते हैं और इसे आपको ऊपर में इस तरह का सेट कर लेना, देख सकते हैं। सेट करने के बाद आपको इसका लेंथ यहाँ पर फुल कर लेना और इसे फिर से कॉपी कर लेना और लास्ट में आपको यहाँ पर इसे ऐड कर लेना कुछ इस तरह का और इसका लेंथ फिर से फुल कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो आपका रेडी हो चुका है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं वीडियो काफ़ी अमेजिंग बन चुका है, आप भी कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। और इस वीडियो में पहले से यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको देखने मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर बीच बीच में कहीं भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन आ जा रहा बिना बीट के, तो इस तरह का आपको बीट के हिसाब से ट्रांजेक्शन कर लेना। अगर आपका नॉर्मल वीडियो रहेगा तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके बता लेना और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कुछ इस तरह का आपको ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ इस तरह का आपको ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए ऐसे मिलेगा किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।